हेलो गाइज, सो गाइज हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, मैंने आपको पढ़ाया था परसेंटेज। सो परसेंटेज में हमने पूरा इंट्रोडक्शन मैंने आपको इसका दिया और छोटे छोटे क्वेश्चंस हमने बेसिक क्वेश्चंस पे किए थे। सो गाइज आज में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास इज 44 विच इज 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। सो हमें नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स हमें पता है और हमें दिया गया है कि ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ये 55% है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बस ध्यान से देखिए वीडियो को। सो पहले हमें गिवन है 55%, तो मैंने आपको बोला है कि 55% को हम कैसे लिखेंगे। सो इट इज 55/100, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला है। सो नाउ ये है 55% जो है ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि वो हमें 44 है। सो 55% जो है ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का परसेंटेज जो है वो है गिवन 44। इसका मतलब क्या है, यानी कि 44 जो है ये 55% है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। सो पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें निकालना है बॉयज। टोटल में से हम माइनस करेंगे गर्ल्स, तो हमें बॉयज निकल के आएगा। नाउ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें आप। सो दिस इज 5 11,000 5 2,000 0,000। सो यहाँ पे हमें आ गया t इक्वल टू 44। ये जो 20 डिवाइड में है यहाँ से, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, सो इंटू 20, और 11 जो मल्टीप्लाई में है ये यहाँ से डिवाइड में आएगा, सो डिवाइड बाय 11। क्लियर। सो t विल बी इक्वल टू 11 4,000। सो अब इन दो को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2 दैट इज 8 और एक 0 भी 7 है। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास निकल के आया 80। सिंपल। अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 80 है, ठीक है, उसमें से हम माइनस करेंगे 44 नंबर ऑफ गर्ल्स, तो हमें बॉयज निकल के आएगा। सो नंबर ऑफ बॉयज विल बी 80 माइनस 44 दैट इज 36। सो 36 इज द नंबर ऑफ बॉयज। इतना इजी मैंने आपको दिखाया। सो द ऑप्शन इज हियर, ऑप्शन बी। सो आपके पास ऑप्शन बी जो है 36, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आ गया। तो सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको दिखाई कैसे ऐसे क्वेश्चन को करना है। क्लियर। अब हम और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। So guys, one more question we have. 25% of the candidates who appeared in the examination failed to qualify. यानी कि 25% स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई करने से फेल हो गए, ठीक है, यानी वो फेल हो गए, उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया। एंड ओनली 450 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड, यानी कि 450 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है। यानी कि अगर हम क्वेश्चन को देखेंगे, पहले 25% फेल हो गए तो कितने परसेंट पास हो गए, 75%। तो इसका मतलब जो 450 है ये 75% है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। सो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन वाज, तो हमें फाइंड करना है जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में जो अपीयर हुए हैं वो कितने हैं, फेल और पास दोनों के दोनों जितने स्टूडेंट्स हैं। सो ऑप्शंस वी हैव 700, 600, 550, 500। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, एक शॉर्ट सी ट्रिक आपको दिखाता हूं। सी देखो गाइस, मैंने आपको पहले ही बोला ये जो 450 है इसका मतलब है ये 75% है, क्योंकि 25% फेल हो गए। सो 75% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो है 450, जो है हमने अभी एक क्वेश्चन में किया सेम। सो 70% को हम कैसे लिखेंगे, 75/100 इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 450। बात समझ आई। टी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी कि जो एग्जाम में अपेयर हो गए हैं, तो वही हमें निकालना भी है। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, 25 3,000 25 4,000 100। सो टी जो हमारे पास निकल के आएगा दैट इज 450। वहां पे ये जो 4 है ये मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि यहां से डिवाइड है, और ये 3 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल सी दिस इज 3 1 0 3 5 0 15 3 0। सो 150 इंटू 4 दैट इज 600, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो दैट विल बी 600। टी यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जाम में अपीयर हुए हैं दैट इज 600। तो आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन बी। गाइस इतनी सिंपल और शॉर्ट ट्रिक्स दिखा रहा हूं आपको परसेंटेज के लिए। बस आपको अगर आपने पहला लेक्चर हमारा देखा है, अगर वो क्लियर हो गया हो तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे। क्लियर। सो चलिए और एक क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस नाउ अब हम चलते हैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस की तरफ। इन ए टेस्ट राजेश गॉट 112 मार्क्स व्हिच इज 32 मोर देन द पासिंग मार्क्स। अब हम मार्क्स कैलकुलेशन की तरफ आते हैं, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में सिखाया कैसे हम मार्क्स परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। सो सोनल गॉट 75% मार्क्स विच इज 70 मोर देन द पासिंग मार्क्स, यानी कि 75% जो है ये 70 ज्यादा है पासिंग मार्क्स से। सो व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टेस्ट। सो अगर हमें पहले ये जो मिनिमम परसेंटेज है हम कैसे निकालेंगे, पहले हम देखेंगे कि मिनिमम मार्क्स कितने हैं, उसी के हम परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहली चीज यहाँ पे राजेश ने 112 मार्क्स लाए हैं, विच इज 32 मोर देन पासिंग मार्क्स। फिर पासिंग मार्क्स कितने होंगे, अगर हम इसको माइनस करेंगे 32 वो हमें पासिंग मार्क्स निकल के आएगा। सो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है, मिनिमम पासिंग मार्क्स वो है 112 में से 32 निकालेंगे तो हमें निकल के आएगा दैट विल बी 80। सो 80 जो है ये पासिंग मार्क्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 100 मार्क्स होते हैं हमें टोटल, अगर हमें 33 जो होता है वो हमें लिमिट होता है 36 पासिंग मार्क्स। तो इसी तरह यहाँ पे जो है वो 80 मार्क्स है पासिंग मार्क्स। नाउ सोनल को कितने मिले हैं 75%, लेकिन ये 75% 70 मोर देन पासिंग मार्क्स है, यानी कि सोनल को मिले हैं 75% और द टोटल मार्क्स, टोटल में से इसको 75% मिला है जो कि है 70 मोर देन पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स हमने अभी देखा वो है 80, तो इसको 70 ज्यादा मिले हैं उससे। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे 75% मीन्स 75/100 ऑफ टोटल मार्क्स। सो 70 + 80 दैट इज 150। क्लियर। अब हम टी यानी कि टोटल मार्क्स जो है वो हम निकालेंगे, यानी कि एग्जाम में टोटल मार्क्स कितने हैं टोटल में। सो दिस विल बी, यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे 25 3s 25 4s। तो टी जो है 150 यहाँ पे, ये जो 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में आएगा और 3 मल्टीप्लाई में है टी के साथ, यहाँ से आएगा तो डिवाइड में जाएगा। क्लियर। सो टोटल मार्क्स जो हमें निकल के आएंगे 3 5 15 0 सो 4 × 50 दैट इज 200। सो दैट मीन्स जो टोटल मार्क्स हमें है वो है 200, लेकिन मिनिमम मार्क्स जो है वो है 80। अब हमें क्या निकालना है, मिनिमम परसेंटेज निकालना है हमें। तो मिनिमम परसेंटेज हमें कैसे निकल के आएगा, देखिए मैंने आपको पहले भी बोला है पहले लेक्चर में। गाइस अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखना प्लीज, मैं उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वो लेक्चर आप प्लीज पहले वॉच करें, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखें आप। सो यहाँ पे हमें 200 है, मैंने आपको बोला है पहले लेक्चर में कि जब भी हमें मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है तो डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे टोटल मार्क्स जितने हैं, सो दैट इज 200। न्यूमिनेटर में आप लिखेंगे क्या, जो मार्क्स आपने लाए हैं, आपने लाए हैं 80, या हमें यहाँ पे हमें मिनिमम मार्क्स की परसेंटेज निकालनी तो हम लिखेंगे मिनिमम मार्क्स जो है, मल्टीप्लाई इसको करना है 100, क्यों, ताकि ये पर 100 के साथ निकल के आए एज हम परसेंटेज निकालते हैं। सो ये दो जीरोस, ये दो जीरोस, खत्म, फिनिश। सो 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 40, यानी कि हमारे पास जो मिनिमम मार्क्स की परसेंटेज आ गई दैट इज 40। सो परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स इज 40। सो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे है 35 45 40, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपने देखा ये वाला क्वेश्चन हमने कैसे किया, पहले हमने निकाला मिनिमम मार्क्स कितने हैं, फिर ये जो गिवन कंडीशन थी उससे हमने टोटल मार्क्स निकाले, फिर हमने परसेंटेज निकाली। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए और एक क्वेश्चन की तरफ। और सो गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ऐसे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। तो अगर आप ये वाला क्वेश्चन जो है इसको आप गौर से देखेंगे, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 40% कैन स्पीक हिंदी। ये क्वेश्चन आपने काफी बार एग्जाम में देखा होगा। 25% कैन स्पीक ओनली इंग्लिश एंड द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश। सो क्वेश्चन सेम होगा लेकिन मे बी उसमें कुछ चेंज होगी। वो क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं और आपको क्लियर हो गया तो वो क्वेश्चन आप डायरेक्टली आसानी से कर सकते हो। सो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 60 है। सो सोल्यूशन हम देखेंगे 40% कैन स्पीक हिंदी, यानी कि 60 में से टोटल स्टूडेंट में 40% जो है, यानी कि 40% मीन्स 40/100 ऑफ 60, यानी कि 60 के जो 40% है वो स्पीक कर सकते हैं हिंदी। ठीक है, सो वो कितना हो गया, देखो 2 0 ये 0 ये 0 फिनिश, 4 6 24, यानी कि हिंदी जो है वो 24 स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, अब जो इंग्लिश वाले हैं वो है 25%, यानी कि 25/100 ऑफ 60, वो कितना हो गया, देखो 25 1s 25 4s 4 1s 4 5s 20, सो 20 these are 15, so 15 स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं। अब बाकी जो रेस्ट स्टूडेंट्स है वो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, तो हमें देखें फिर इंग्लिश कितने बोलते हैं। तो पहले देखेंगे हम ये कितने स्टूडेंट्स है टोटल, हिंदी प्लस इंग्लिश 24 प्लस 15 दैट इज 39. सो 39 जो है ये दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, यानी कि ये वाले स्टूडेंट्स हैं, जो रेस्ट स्टूडेंट्स हैं जो बोल सकते हैं, ठीक है. यानी कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश बोलते हैं और ये तो रेस्ट स्टूडेंट्स जो है वो हम निकालेंगे 60 में से, यानी कि रेस्ट जो स्टूडेंट्स बचे वो है 60 में से हम निकालेंगे 39. सो यहां से हम 39 निकालेंगे तो कितना होगा 1 2. सो 21 स्टूडेंट्स जो है वो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं. ये जो है 24 ये सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं, 15 जो है ये सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं. अब हमें देखना है टोटल में इंग्लिश कितने बोल सकते हैं. देखो ये जो सारे स्टूडेंट्स है 21 ये भी इंग्लिश बोलते हैं और 15 वाले भी इंग्लिश बोलते हैं, तो टोटल कितने इंग्लिश बोलते हैं इन दोनों को ऐड करो. सो 15 प्लस 21 दैट इज 36. तो 36 स्टूडेंट्स जो हमारे पास हैं वो इंग्लिश बोल सकते हैं. सो ऑप्शन वी हैव सी, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन सी. सो 36 स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं. क्वेश्चन समझ आ गया आपको. ऐसे ही बाकी क्वेश्चन आपको करना है सेम.